अलग अलग फसलों के बारे में रोग। अब जो फसलों के रोग थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, आज हम इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, गेहूं का काला तना रोटी रोग का रोग है। ये जो गेहूं का काला या जो ब्लेड रस्ट है किसके द्वारा होता है, इसका रोग कारण कौन सा है? क्वेश्चन या ग्रेमिनिज टिटिसाइड। पहला क्वेश्चन, ठीक गेहूं का बाह्य बीजोग है एक्सटर्नल सेल बॉर्न डिजीज,
स्ट्रेंथ है एटैक जो या एडिनल सीड बॉन्ड इज एटैक जो से है वाकोन या एयर बॉन्ड डिजीज और दे है सोयल बॉन्ड डिजीज या मर्दर रोग। अब जो गेहूं का लोजिस्मेंट रोग है वो है इंटरनल सीड बॉन्ड डिजीज या एंथेरिटोर रोग। तीसरा क्वेश्चन है जो का जो के आवर्त नंबर या कवर्ड स्टेटमेंट होते हैं से आवर्त रोग के रोग जनक का नाम है। ये जो गेहूं का कवर्ड स्टेटमेंट या आवर्त गंडवा रोग का रोगजनक कौन सा है इसमें ए ऑप्शन है एसटी लेगो प्रोडियाई, एसटी लेगो और सेव ऑप्शन है इसपे सिरोफिला सोजाई। जो कवर्ड स्टेटमेंट या आउटकम वाला रोग है उसका रोगजनक है एसटी लेगो प्रोडियाई। ये जो के वानस्पतिक नाम से ही जुड़ा हुआ है जैसे जो का वानस्पतिक नाम था प्रोडिया वल्गर, ये एसटी लेगो प्रोडियाई से फैलने वाला रोग है। और अब इसके बाद में चौथा आंसर है जीरे का लानी रोग होता है। जो जीरे का वेट रोग है जीरे का रानी या वेट रोग जीरे का मलानी रोग होता है। जो जीरे में वेट लगती है मलानी रोग लगता है इसके कारण होता है। अब इसमें पहला ऑप्शन है एरिसाइकी पॉलिगोनी, और लास्ट ऑप्शन है विजयम
ऑफिस फॉर फ्यूजेरियम ऑफिस फॉर फ्यूजेरियम ऑफिस फॉर अब इसमें जो धीरे का वेट प्रॉब्लम था वो है एस है कि पॉलीवर्टी को द्वारा करने वाला रोग है कहता है एसाइक्लिक पॉलीवैलेंट ड्रग से अब इसमें क्वेश्चन है अति रुद्रात्मक प्रसार अति रुद्रात्मक प्रसार अब इसमें एक नंबर क्वेश्चन है जो गेहूं का तना प्रतिरोध गेहूं का तना प्रतिरोध तना प्रतिरोध भारत में किस समय प्रकट होता है गेहूं का तना रोगी रोग भारत में किसमें प्रकट होता है स्टेम प्रश्न या प्लेट प्रश्न इसका आंसर है ये है स्टेम प्रश्न या तना रोगी रोग प्लेट प्रश्न भारत में नवंबर के माह में प्रकट होता है नवंबर माह में गेहूं का तना रोगी रोग भारत में किसमें दिखाई देता है नवंबर के माह में तनावरोधी रोग दिखाई देता है अब इसके बाद में दो नंबर क्वेश्चन है गेहूं में कितने प्रकार के रोगी रोग होते हैं गेहूं में कितने प्रकार के गेहूं में कितने प्रकार के रोली रोग होते हैं गेहूं में कितने प्रकार के रोली रोग होते हैं गेहूं में कौन कौन सी रस लगती है जैसे ब्लेड रस लगती है और इसके बाद में है जो लिप रस और इसके बाद में जो येलो रस या लिप रस के नाम से जानी जाती है पीला रोली रोग
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के भूरी लोली रोग के रोकने का नाम बताइए। गेहूं के भूरे लोली रोग, गेहूं का भूरी लोली रोग या पैन किट रोग का रोग कारक है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि रूस में गेहूं के काम में
किए जाने वाले दो कवकनाशियों के तो गेहूं की फसल में जो रस्ट लगती है उसके नियंत्रण के लिए कौन से दो कवकनाशी काम में लिए जाते हैं? कवकनाशियों के नाम बताइए। ये दिया नाम लिखो कि गेहूं की फसल में कौन से दो कवकनाशी काम में लिए जाते हैं? जो रस्ट डिजीज में कवकनाशी कौन से काम में लेते हैं? जैसे ऑक्सीकार्बोक्सिन, अब इसमें ऑक्सीकार्बोक्सिन रस के लिए ऑक्सीकार्बोक्सिन और दूसरा है प्रोपेकोनेजोल। प्रोपेकोनेजोल या हेक्साकोनेजोल कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन काम में लेते हैं। अब इसके बाद में छठा क्वेश्चन है कि बैंगन का जो लिटिल रोग है उसका रोगजनक क्या है? इसके द्वारा बैंगन में लिटिल लीफ डिजीज फैलती है। छठा क्वेश्चन है बैंगन के गलगुट पड़ने को या लिटिल लीफ डिजीज बैंगन का जो लघुकरण रोग या लिटिल लीफ डिजीज जो रोग है किसके द्वारा फैलता है? ये इसका जो रोग कारण है फाइटोप्लाज्मा, रोग कारण है फाइटोप्लाज्मा। बैंगन का लिटिल लीफ डिजीज फाइटोप्लाज्मा द्वारा फैलता है। किस रोगजनक से जीरे का जो छाछा रोग है वो किस रोगजनक से होता है? छाछा रोग का रोग कारक क्या है? अब इसका आंसर है जो जीरे में जो छाछा रोग लगता है पाउडर में जो रोग लगता है उसका रोग कारक है एरिसाइटी पॉलिगोनी। अब अगला क्वेश्चन है बैंगन के लघु पड़ने रोग या छोटी टपी रोग या लिटिल लीफ रोग की प्रतिरोधी किस्मों के नाम किस्मों का नाम बताइए।
बताइए। बैंगन के लघु कण रोग की रोग प्रतिरोधी किस्म का नाम बताइए, कौन कौन सी रोग प्रतिरोधी किस्में हैं? हाइब्रिड एग आदि रोग प्रतिरोधी किस्में हैं?